व्यापारियों का मेला यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। विधायक के संज्ञान में भी होना चाहिए। इस तरीके का तांडव अगर होगा व्यापारियों के साथ तो इस पे आपका रुख क्या होना चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि से हम बहुत कुछ उम्मीद भी करते हैं। इसी नाते आप उनके राह पकड़ेंगे और निश्चित रूप से जब व्यापार मंडल आप आंदोलन की राह पकड़ता है तो हमने अच्छे अच्छों को बिलों में घुसते हुए देखा है, बनाते हैं और उसका जीएसटी का भी जो नियम है उसके मुताबिक बिल वहीं से बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उसकी सीमा है, क्योंकि जो दुकान से सीमा मांगते दुकान से सीमा ना होते जो 6 किलोमीटर होनी चाहिए इसमें संशोधन होना बहुत जो नया ट्रांसपोर्टर एक्ट तो बना है उसके संबंध में अपनी बात रख रहे थे। बात सही है, पहले जो 3 सूबों में हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की और ममता जी की सरकार है उन्होंने विरोध किया और आज भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं आज हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कठेरिया जी का भी स्टेटमेंट है अखबारों में। जब ये कोई नई व्यवस्था बनाई जाती है तो उसमें खामियां रह जाती हैं और फिर जनता की तरफ से जो आक्रोश या उनकी जो आवाज निकल के आती है और उस आवाज के अनुरूप अपने निर्णय को पुनः विचार करने के लिए अगर सरकार में बैठे हुए लोग ये चिंता करें तो ये समझ लीजिए कि वो सरकार में बैठे हुए लोग आपकी भावनाओं की पूरी कद्र कर रहे हैं। जैसे जीएसटी लागू था हुआ था तब भी बहुत सारी खामियां थी और धीरे 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 करके आपकी आवाज व्यापार मंडल की आवाज पहुंची और पहुंचने के बाद उन खामियों को दूर किया गया। ऐसे ही ये नया ट्रांसपोर्ट एक्ट जो लगा है इसके लगाने के पीछे जो भाव है वो सरकार को इस माध्यम से कोई वसूलिया भी करना नहीं है कि सरकार को इस माध्यम से एक पैसा अर्जित हो। सरकार की मंशा है कि ये एक्ट सही ढंग से लागू हो जाए और जो दुर्घटनाओं में इतनी मौतें होती हैं ये घटनाएं ना हो, सरकार की इतनी सी मंशा है। और इसमें जिस तरीके से विरोध प्रस्तुत हुआ है उस पर पुनः हमारी जहां जहां सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की उन लोगों ने भी और केंद्र सरकार ने भी पुनः इस पर विचार करने के लिए मन बनाया हुआ है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आपके सामने नए समीकरण नई चीजें प्रस्तुत होंगी। देखिए हम 2-3 विषयों के ऊपर कहना चाहते हैं। पहला तो जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि तुरंत बिजली की दरों को स्थगित किया जाए और जो ये सिक्योरिटी मांग रहे हैं वह भी अनुचित है। जिस व्यापारी ने पहले कनेक्शन ले रखा है सिक्योरिटी दे रखी है उस पर सिक्योरिटी बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। 20,000 रुपये की नोटिसें आ रही हैं, ये नोटिसें भेजना जनता का उत्पीड़न करना है, व्यापारी समाज का उत्पीड़न करना है, तो इन सब कार्रवाइयों को सरकार को स्थगित करना चाहिए। ये जो ट्रैफिक पे जुर्माना बढ़ा है
ये जुर्माना नहीं है, लूट है, लूट। और ये जुर्माना इतना ज़्यादा है कि इससे हर छात्र परेशान है, नागरिक परेशान है, व्यापारी परेशान है, पत्रकार परेशान है। अगर हम अपने घर से दुकान तक जो 10-15 मीटर है, अगर हम चले गए और मान लिया हेलमेट घर भूल गए, इस पर इतना जुर्माना करना, जुर्माना तो दो गुने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 500 रुपये से ज़्यादा जुर्माना करना लूटना है, जेब काटना है। सरकार चाहे जितना पीठ थपथपाए कि हम जान बचाने जा रहे हैं, 70 सालों में लोगों की जान चली गई क्या? 70 साल में हिंदुस्तान नहीं बढ़ा क्या? आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, जो आप दुनिया भर की फालतू की बातें कर रहे हैं कि जान जा रही है इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। अरे बढ़ाइए तो, एक 10 गुना आपने बढ़ा दिया, 10 गुना कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? उस अनुपात में सड़कें भी तो नहीं सही हो रही हैं। उस अनुपात में सड़कें भी तो नहीं ठीक हो रही हैं। जब सड़कें नहीं ठीक होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, तो कैसे आदमी चलेगा? आप कह रहे हैं साहब ड्राइवर ने चप्पल पहन ली तो उस पर जुर्माना हो जाएगा। फिर आप कह रहे हैं साहब उसने अगर ड्राइवर ने बनियान पहन ली, कमीज नहीं पहना, तो जुर्माना हो जाएगा। ये जुर्माना लगा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। इसलिए ट्रैफिक नियमों में जो 10 गुना ज़्यादा जुर्माना बढ़ाया गया है वो बहुत अनुचित है, वो बड़ी लूट है। इसलिए जुर्माना लगाना है तो 1 का 2 लगा लीजिए, जहाँ 300 था वहाँ 600 कर दीजिए, जहाँ 100 था वहाँ 200 कर दीजिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो व्यापार मंडल विरोध करेगा और पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगा। मुकदमा हुआ क्या कहना चाहेंगे उसको, क्या करेंगे? मुकदमा हुआ है वो मुकदमा सरकार ख़त्म करेगी, ADG साहब ने लगाया है वो ख़त्म करेंगे, नहीं ख़त्म करेंगे तो हमारी भी FIR लिखी जाए और मुकदमा कोर्ट में चलेगा, तो जिन्होंने मारपीट की है उनको भी सबक मिल जाएगा और जो गलत हमारे ऊपर FIR लिखी गई है उनको भी, गलत लिखने वालों को भी सबक मिल जाएगा। हम लोगों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों को? हम ये कहना चाहेंगे कि जो व्यापारियों के साथ देवेंद्र जोशी के साथ जाति की गई है उसके खिलाफ अगर आवश्यकता पड़ी तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे। GST के बारे में एक बात और कह के अपनी बात ख़त्म करेंगे। GST में 8%, 12%, 15%, 18%, 28% जो दरें हैं इनको ख़त्म करके केवल 1 दर 12% या 15% की लगाई जाए। एक दुकान पे एक टैक्स नहीं होना चाहिए, एक देश एक दुकान एक टैक्स, ये नारा होना चाहिए। अगर ये नारा रहेगा तो व्यापारियों को सुविधा भी मिलेगी और सरकार का राजस्व भी ज़्यादा बढ़ेगा। जो पेंशन 3,000 रुपये की बढ़ाई गई है, ये कम से कम 50,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए। हमारी 10 गुना पेंशन बढ़ा दो, 10 गुना ट्रैफिक नियम बढ़ाया है, कानून बढ़ाया है, तो 10 गुना पेंशन बढ़ा दो तब बात ठीक होगी। जो GST विभाग के इंस्पेक्टर को जितनी पेंशन मिल रही है और हम टैक्स कलेक्टर हैं हमको भी उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए, उससे कम पेंशन हम किसी कीमत पर नहीं लेंगे।